बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद इस्माइल मंथली रिव्यू के साथ हाजिर है। मंथली रिव्यू से पहले मैं थोड़ा आपके साथ डेली चार्ट शेयर करना चाहूँगा यहाँ पर डेली में। और अगर आप मेरी पिछले वीडियो, मैं इसको थोड़ा इसको हाइड कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ से फिबोनाची लिया था, बल्कि मैं लाइन चार्ट पे आ जाता हूँ, वो ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर देखें हम, तो ये मैंने, आप मेरे अगर वीडियो देखें तो मैंने बताया था कि यहाँ से ये तकरीबन जून जून की थी, 11 जून की वीडियो आप देख लीजिएगा। तो उसी में मैंने कहा था कि भाई ये डेली में देखें, यहाँ से अगर अपसाइड, अब मैं आपको ये बता देता हूँ कैंडल चार्ट। ठीक है, इसने लो किया, इसने पहले तो मैं यहाँ से बता दूं कि ये जब जब से मार्केट ये ऊपर गई थी, यहाँ पे से 66,000 का हाई किया, फिर इसके बाद में 64,000 का ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मेंटेन किया हुआ है इधर। ठीक है, ये वाला 64,000 का, इसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ। ठीक है, मंथली कर रहे हैं तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं कि 64,000 आ सकते हैं कि नहीं। बहरहाल इस वक्त जो है डेली के हिसाब से देखें तो ये रिट्रेस करती है मार्केट, यहाँ से फिर देखें थोड़ा सा हल्का सा रिट्रेस किया, फिर अपर साइड पे मूवमेंट देखें, फिर यहाँ पे इस वक्त ये वाला जो है मंथली का मिडिल बैंड भी है 70,700, तो ये भी रिट्रेस हो सकता है क्योंकि इसके करीब करीब मार्केट आई थी 71,800 के करीब। तो इसका जो सपोर्ट है लेवल वो ये भी है, और इत्तेफाक से मंथली का लो मिडिल बैंड भी है, तो ये मार्केट यहाँ पे अपने आप को भी रिटेस्ट कर सकती है। बहरहाल कहने का मकसद ये कि यहाँ से मार्केट, फिर यहाँ से अब गैप ओपनिंग हुई, गैप फिल भी हुआ, फिर इसके बाद फिर इसने मजीद अपसाइड दिखाई। कहने का मकसद ये कि उस वक्त जो हम जब ये लो करके ये डोजी साइन हुआ था, तो मैंने कहा अगर ये यहाँ कोई बुलिश कैंडल फॉर्म होती है तो एक तो ये इसका रेशियो है गोल्डन रेशियो 1.618। ठीक है, तो ये इसको रिटेस्ट कर सकती है मार्केट जो है, और इसको रिटेस्ट करने के बाद जो है अगला जो है, अगर इसको सस्टेन करता है इंडेक्स, तो इंडेक्स आगे जाके ये 81,800 के करीब जो है ये दिखा सकता है, ये वाला अगला रेशियो जो है 2.618। तो यहाँ पे देखे थे एग्जैक्टली 2.618 पे, यहाँ पे डेली पे देखें इसको रिटेस्ट किया और फिर एकदम से यहाँ पे ये बेरिश कैंडल भी, फिर एक और अगेन बेरिश की कंटिन्यूशन चलती रही, पहले तो इसकी निगेशन हुई फिर कंफर्मेशन हुई। ठीक है, तो इस वक्त ये लेवल जो है डेली पे अभी फिलहाल जो है इसकी हम ये वाली, चले हम अपसाइड पे ले लेते हैं, ये डेली पे इस वक्त ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री है। बीटी में यहां लिख देता हूँ, बीटी है, बीटी का मतलब यहाँ पे फिर रिजेक्शन, हम हैवी रिजेक्शन इस के दौरान देख सकते हैं, इसके दरमियान 80,132 से लेके 81,810। इसके बाद अगर इसके ऊपर मार्केट अगर परफॉर्म करती है, इसको ब्रेक करती है, तो फिर हम आगे जाके 85,300 फिर 87,400 ये लेवल हम रिटेस्ट होते हुए देख सकते हैं। लेकिन अभी वजह ये है कि एक तो रिजल्ट सीजन अब तकरीबन खत्म होने वाला है, काफी अनाउंसमेंट आ गई, थोड़ी सी रह गई है, तो इसको मैं थोड़ा सा ये यहाँ पे, ठीक है, ये आ गया लेवल सॉरी। तो अब ये देखें इसको इसको भी ब्रिज कर दिया, 78,300 जो गोल्डन रेशियो था इसको भी ब्रिज कर दिया है, और पहले भी ये ब्रिज यहाँ पे ब्रिज हुआ था यहाँ पे, ये तकरीबन 26 जुलाई को, फिर यहाँ से अपसाइड मूवमेंट देखा है मार्केट ने, अब फिर इसको ब्रिज करके अभी नीचे क्लोजिंग दी है, तो ये एक एक्चुअली सपोर्ट एरिया के करीब ही है, जो पहले भी सपोर्ट एरिया था यहाँ का। मैं इसको भी ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है, अभी ग्रीन लेवल पे ये सपोर्ट लेवल पे ये मार्केट इस वक्त अपने यहाँ से फिर अपसाइड आनी चाहिए। ठीक है ना, ये वाला लेवल जो है 77,886 के करीब, या तकरीबन समझ लो 77,800, इसको ब्रेक कर दिया है और इसके नीचे मार्केट इस वक्त परफॉर्म कर रही है, क्लोजिंग भी इसके नीचे ही आई है। तो अपसाइड जैसी बात है, यहाँ मूवमेंट आ सकती है, यहाँ पे भी हो सकता है मूवमेंट आए, 78,700 वापिस आए, और इवन ये दोबारा 79,100 यहाँ पे इसको भी रिटेस्ट कर सकता है। लेकिन इस वक्त जो 79,300 है ना, डेली पे मैंने पहले भी शेयर किया था शॉर्ट टाइम फ्रेम पे भी, और डेली पे भी अब ये
रेजिस्टेंस हो गया हैवी, ठीक है, यहाँ पे ये हैवी रेजिस्टेंस, सॉरी रिजेक्शन, हैवी रिजेक्शन आती है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे, अगर आप देखें तो यहाँ हैवी रिजेक्शन हम विटनेस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे वैसे ही देखें अगेन, ये यहाँ पर ये इसको हम एक टेक्निकल टर्म में कहते हैं, ये बेरिश सिग्नल होता है, डार्क क्लाउड कवर, ठीक है। तो इसका देखें कंटिन्यूशन आई नीचे यहाँ पे, इसकी कंफर्मेशन हो गई, ठीक है। अब हो सकता है इसकी कंटिन्यूशन नीचे यहाँ तक आए, तो अभी इस पर प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें तो ये वाला लेवल है अच्छा सपोर्ट एरिया। हो सकता है जैसे वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा आती है नीचे, तो ये इस एरिया को भी रिटेस्ट कर सकता है, यहाँ कोई विक बन सकती है, ठीक है। इसको मैं ये ग्रीन लाइन दे देता हूँ, उसको भी, तो यहाँ पे भी कोई विक बन सकती है। तो ये प्राइस एक्शन देखा हमने कभी, देखे यहाँ कितनी बड़ी विक बनी थी, तो ड्यूरिंग द डे जो है यहाँ पे एक विक बनती हुई देख सकते हैं 77,300। ये एक अच्छा लेवल है, बाइंग लेवल है, यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं आप विथ स्टॉप लॉस, लेकिन अगेन सेल आपने यहाँ पे जरूर करना है, यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है, ठीक है। और इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, गोल्डन रेशियो, गोल्डन रेशियो ब्रेक हो चुका है, तो अभी इसको हटा देते हैं रिमूव, ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। अभी हम चलेंगे प्राइस एक्शन के हिसाब से ही, जो कि लेवल जो है इस वक्त 77,900 के करीब जो है ये लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है, ये लेवल जो था ये आपके साथ मैं शेयर कर दूं, ये वाला लेवल, ठीक है। तो ये जाहिर से थोड़ा बहुत तो अप डाउन होता है, थोड़ा सा नीचे आया है, यहाँ हो सकता है विक बने, विक के साथ कोई डोजी बन जाए मॉर्निंग स्टार, फिर मार्केट यहाँ से अपसाइड मूवमेंट दिखा सकती है। तो ये मैंने आपको डेली शेयर चार चार्ट इसलिए शेयर किया कि ताकि आपको बता दूं कि यहाँ तक का अपसाइड था, और इसकी कंफर्मेशन अब आपको मैं मंथली में बताऊंगा। अब मंथली पे आ जाते हैं डायरेक्ट जो है, ये देखें मंथली पे है, इसको हम शूटिंग स्टार भी कहते हैं, जो एक बेरिश सिग्नल दे रहा होता है, और इन्वर्टेड हैमर भी कहते हैं, ये भी एक बेरिश सिग्नल, वो दोनों के एक ही है, आप जो भी यूज कर लें वर्ड, इसका मतलब कहने का है कि एक लॉन्ग लॉन्ग विक के साथ, जिस तरह बटर वो होती है ड्रैगन फ्लाई डोजी होता है, इसी तरह ये इसका उलट है ड्रैगन फ्लाई का। तो इसको हम ग्रेव स्टोन डोजी भी कह सकते हैं, शूटिंग स्टार भी है, इन्वर्टेड हैमर भी है, तो इसका मतलब ही यही होता है कि बेरिश सिग्नल दे रहा है। हाँ अगर इसके ऊपर कोई बुलिश कैंडल बनती है, इसको एंगल करती है और इसके ऊपर अगली कंफर्मेशन मिलती है, तो आप एंट्री ले सकते हैं, इसका मतलब इसकी निगेशन होगी। लेकिन निगेशन अभी यूं एक्सपेक्टेड नहीं है कि आरएसआई देखे 84 पे चला गया मंथली का, ठीक है। और दूसरी बात ये कि डेली पे क्रॉसओवर हो चुका है ऑलरेडी, और वीकली पे भी क्रॉसओवर हो गया है थोड़ा सा, यहां से देखें पहले भी यहां देखें क्रॉसओवर हुआ था, फिर यहाँ नीचे ही मार क्रॉसओवर हो गया है, तो थोड़ा सा वेट करें नीचे, तो वापिस अगर ये अपर साइड पे क्रॉसओवर होता है भी, तो ये सॉरी डाउन साइड से क्रॉसओवर होता है तो फिर सही है, समझ में आता है एमएसईडी का सिग्नल लाइन के ऊपर, वरना अदरवाइज ही मार्केट नीचे ही नजर आ रही है। अच्छा कहां तक मैंने आपको बताया अभी, इसको मैं बता दूं आपको, अच्छा ये मैंने आपको एरियाज बता दिए हैं प्रॉफिट टेकिंग के, 77,000 देखिए। अच्छा यहाँ पे भी देखें कि इसी तरह ग्रेव स्टोन डोजी या इन्वर्टेड हैमर कह रहे हैं यहाँ पे बना है, और क्लोजिंग यहीं आई है, तो सॉरी तो वीकली पे भी आपको बता दिया मैंने, अब आ जाते हैं मंथली पे, ठीक है। मंथली पे मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा बता दूं कि आपने थोड़ा वेट करना है, इसका ये इसका सीपीआर लेवल है, अपर बैंड है इसका 74,100, ठीक है। अगर ये ब्रीच करता है पहले तो एक आपको ये यहाँ पे नेकलाइन सपोर्ट मिलेगी यहाँ पे, क्योंकि हम मंथली आप इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ये मैंने डेली भी आपको बता दिया था कि ये 77,300 पे मार्केट रिटेस्ट कर सकती है, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया लेवल 77,300 का, ये एक्सपोज है, चाहते बस 77,800 पे मार्केट आ गई है, ठीक है, 78,000 इसने तोड़ दिया है, तो इसको ये यहाँ पे रिटेस्ट हो सकता है, ये वाला लेवल 77,300, और इवन जो इसका ये लेवल है, यहाँ तक कोई विक बन सकती है ड्यूरिंग द वीक और ड्यूरिंग द मंथ, ठीक
है, लेकिन यहां पर अगर ये आता है तो फिर खतरे वाली बात है, क्योंकि यहां से सपोर्ट अगर लेता है इंडेक्स तो ऊपर जाना बहुत जरूरी है। लेकिन अगेन मैं आपको फिर वो, जैसे ये मंथली है तो मैं आपको जिस तरह वीकली रेप पे बताता हूँ, तो वीकली पे आपको पता चलता रहेगा कि अगर उसका आप सीपीआर नीचे आता जा रहा है वही वीकली का, तो ऑब्वियसली फिर ये एक्सपोज हो जाएगा 74,100। लेकिन अभी फिलहाल जो है हम इसी को लेकर चलेंगे, 77,300, 76,080 या 76,100, ये समझ लें। अभी फिलहाल जो है एरिया ऑफ वैल्यू, जिस तरह हमने ऊपर की ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री बताई, तो ये एरिया ऑफ वैल्यू मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। एरिया ऑफ वैल्यू ये है, ये हमारे पास एरिया ऑफ वैल्यू आ गया इसका, ये डेली पे है ठीक है। और वीकली पे तो इस वक्त जो है, यहाँ पे तो बहुत बड़ी वीक बनी, लेकिन यहाँ पे भी हम रिजेक्शन देख सकते हैं 80,100। कम से कम भी एटलीस्ट 80,100 को मेंटेन करता है इंडेक्स अच्छी बुलिश कैंडल के साथ, अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो फिर मजीद अपसाइड देख सकते हैं यहां तक 81,800 तक। फिर 81,800 पे कोई, उसके ऊपर कोई बुलिश कैंडल बनती है तो फिर मजीद ये मार्केट अपसाइड मूव कर सकती है। लेकिन अभी फिलहाल जो है मार्केट डाउन साइड पे ही नजर आ रही है, क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे तो इनडिसाइसिव तो नहीं कहेंगे, ये समझे यहाँ पे रिजेक्शन आई है बहुत बड़ी, तो डोजी तो बना है, इनडिसाइसिव है लेकिन रिजेक्शन के साथ है अच्छी खासी बड़ी, तो थोड़ा मोहतात रह के काम करें इधर, अभी बाइंग अपर साइड पे ना करें। कुछ स्टॉक जो मैंने बताया था इनके वीकली मंथली, जैसे फॉर सपोज साजगार है, इनका बहुत RSI हाई हो गया था, और आपका गेल का भी, गंदारा ऑटो मोबाइल का भी RSI काफी हाई हो गया था, तो थोड़ा सा इसमें कॉशियस रह के काम करें। अपसाइड पे अभी बिल्कुल बाय ना करें, और डाउन साइड पे ऑब्वियसली रिस्क लेना चाहिए जो मैंने आपको लेवल बताए विथ स्टॉप लॉस, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ये यहाँ से ऑनर भी करे, देखिए स्टॉप अगर ये सपोर्ट है तो सपोर्ट का मतलब ये नहीं कि यहाँ से ऊपर ही जाएगी मार्केट, या स्पेसिफिक स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल से कब, हमेशा ब्रिज भी होता है, जिस तरह रेजिस्टेंस होता है लोग रेजिस्टेंस से डर जाते हैं, तो उसको अगर ब्रेक करता है तो फिर ऊपर और चले जाते हैं। इस तरह सपोर्ट में भी कुछ ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, और रेजिस्टेंस में भी ज्यादा जब उसको पैनिक ना हो। लेकिन इस वक्त जो है ये साइन बता रहा है कि यहाँ पे सेलिंग आ रही है, प्रॉफिट टेकिंग करें ठीक है, जो आपने डाउन साइड पे लिया हुआ है उसको अपसाइड पे जरूर सेल करें, क्योंकि यहाँ पे इस लेवल से लेके इस लेवल तक सेलिंग नजर आ रही है। मैं आपको बता दूं ये इसका, मैं इसको बल्कि और नीचे कर देता हूँ, ये इसकी नेकलाइन ले लेता हूँ इस कैंडल की ठीक है, क्योंकि इस मंथ की जो क्लोजिंग है इससे नीचे आई है, ये जो लास्ट मंथ था इसमें इसकी क्लोजिंग आई थी 78,500 की, और इसमें 77,800 की क्लोजिंग। अगर ये महीने की क्लोजिंग इससे ऊपर आती तो फिर मजीद अपसाइड देख सकते थे, लेकिन अच्छा हैवी रिजेक्शन के साथ क्लोजिंग इसके नीचे आई है, तो केयरफुल होके काम करें ठीक है। ये मैंने आपके साथ अपर साइड पे सेलिंग एरियाज बता दिए हैं, 78,500, 61,500, ये समझ लें राउंड में 78,500, और 80,100 और 81,800, ये सेलिंग एरियाज हैं, बाइंग से इज्तनाब करें, बी केयरफुल ठीक है, तो इसको आप जरूर नोट करें। और इसके बाद जो है देखा, अच्छा मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दूं, यहाँ पे सीपीआर का लेवल डाउन साइड पे श्रिंक हो रहा है, अपर साइड पे हो रहा होता तो समझ में आती, यहाँ पे देखिए पहले भी वीक बनी थी इसलिए इसके यहाँ पे ये सीपीआर बहुत स्प्रेड इसके जो है एक्सपेंशन ज्यादा हो गई, ज्यादा हो गया यहाँ पे एक्सपेंड हो गया है, और यहाँ पे थोड़ा अब नैरो होता जा रहा है, तो बेहतर यही कि आप ये लेवल पे बाई करें। यहाँ पे अगर आता है तो कॉशियस रह के बाई करें, लेकिन ये एरिया अगर आता है 70,000 के करीब, 70,700 से लेके 68,500, ये एक अच्छा एरिया है बाइंग करने के लिए। जैसे तो हर और, लेकिन मैं दूसरा मैं बताता हूँ, ट्रेडर हजरात ये उनके लिए है, और जो इन्वेस्टर हैं वो भी जाहिर सी बात है ट्रेडिंग के हिसाब से वो बाई करें, हर सपोर्ट लेवल पे थोड़ा थोड़ा। अच्छे स्टॉक है, मैंने अभी रिसेंटली FCPL का भी बताया था, और MFFL का भी चार्ट शेयर किया था आपके साथ, और हपको का, हपको बहुत अच्छा है वो आप देख सकते हैं डाउन साइड पे, क्योंकि बिजनेस के डाइवर्सिफाई हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो जो भी स्टॉक लोअर RSI पे उनको आप फोकस करें, हाई RSI पे
अभी इस वक्त ना जाएं। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज।